मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो है हम रिवीजन के तौर पर जो है छठी कक्षा से संबंधित आपका जो पाठ्य पुस्तक है जिसका शीर्षक है हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 11, इसका हम रिवीजन के तौर पर जो है फिर से अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक देखिए यहाँ पर, इसका, इनका, उसका, उनका। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर एक वचन बहुवचन वाक्य में जब प्रयोग करते समय आपसे छोटे हैं तो एक वचन शब्द आप वहां पर प्रयोग कर सकते हैं, और आपसे बड़े हैं उम्र से और बहुवचन, ज्यादातर उनको बहुवचन में आपको शब्दों में वाक्य का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो है ज़्यादातर कन्नड़ जो है अहिंदी क्षेत्र के होने से कारण, जो आपकी स्थानीय भाषा कन्नड़ होने के कारण, मैं इसका एक बार जो है शीर्षक का कन्नड़ में बता देता हूँ। इसका यानी इवना, इनका यानी इवर, उसका यानी अवन और उनका यानी अवर, ये इस तरह होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है यह एक वचन में यानी आपसे उम्र से छोटा है तो इसका प्रयोग होता है, उसमें ही उनका यानी यह बहुवचन में बड़े लोगों के लिए प्रयोग में आता है, इसका, इनका, ठीक है। उसका जो है यह एक वचन में, ठीक है, एक वचन में या आपसे छोटे हैं तो इसका प्रयोग कीजिए, आपसे बड़े हैं तो वहां पर उनका ऐसे प्रयोग करना है, बहुवचन शब्दों में आपको प्रयोग करते समय इसे उनका यह प्रयोग करना है। तो चलिए इस पाठ का हम अभी जो है फिर से सविवरण अध्ययन करेंगे। इससे जो है आपको इस पाठ संबंधित कोई भी जो शंका है वह दूर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर घोड़े का चित्र आपको दिख रहा है। देखिए यह घोड़ा है, यह जो है यह कब प्रयोग होता है, यह जो निश्चित सर्वनाम के शब्द है सभी, यह, इसका, उसका, ये सभी सर्वनाम के पुरुषवाचक में आने वाले, अंतर्गत आने वाले शब्द जो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, देखने के लिए। और यह जो है यह निश्चित सर्वनाम में आ जाए, निश्चित वाचक सर्वनाम, यानी यहाँ पर सही बता रहा है कि यह घोड़ा है, ठीक है, बोलिए यह घोड़ा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसका रंग काला है, तो किसका रंग काला है, यह घोड़े का जो है रंग कैसा है, काला है, ठीक है, इसका रंग काला है, इस तरह। उसी प्रकार यानी यह के बदले इसका प्रयोग कर रहे हैं, यानी आपको चित्र दिख रहा है, यह के बदले इसका प्रयोग कर रहे हैं, यहां पर देखिए इसका रंग कैसा है, काला है इस घोड़े का। उसी प्रकार इसका चेहरा सुंदर है, इसका जो चेहरा है सुंदर है, यहां पर घोड़ा देखिए दिखने में काला होगा लेकिन उसका जो चेहरा है हमसे भी अलग होता है और बहुत ही मुलायम होता है, आप इसे जब देखने जाएंगे घोड़े को तो उस समय उसका चेहरा देखिए आपसे भी जो है लंबा होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस वाक्य में, इसका चेहरा सुंदर है, देखने के लिए कितना सुंदर है, देखिए दो कान हैं बड़े बड़े और जो उसका चेहरे का आगे का भाग है वो लंबा है, बहुत ही जो है घोड़ा देखने के लिए। आपको यदि आप सैनिक स्कूल में प्रवेश लेंगे तो, यानी आपका तो प्रवेश हो गया COVID-19 के वजह से, आप जो है इस साल नहीं आ सके, लेकिन हमारे भी यहाँ पर जो है सैनिक स्कूल में बहुत सारे घोड़े हैं, आपको वहाँ पर घुड़सवारी भी किया जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जब भी अगले साल आएंगे आप, यानी जो अगला सेशन यानी आपका सातवीं कक्षा का जो
सेशन होगा उस समय आपको जो है, आप यदि सैनिक स्कूल को आएंगे तो आपको घोड़े जरूर दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप उसमें घुड़सवारी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से हम देख लेंगे, यह घोड़ा है, इसका रंग काला है, इसका चेहरा सुंदर है। तो अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कपड़ों का दुकान दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कपड़े आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप जब कपड़े खरीदने जाते हैं मॉल में, इसी तरह सजाकर रखा जाता है ताकि आपको आकर्षित करे उन कपड़ों के जरिए। देखिए यहाँ पर सुरेश हमारे पड़ोसी हैं। सुरेश जो है हमारा नहीं कहा उन्होंने, हमारे यानी वह उनको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। सुरेश हमारे पड़ोसी हैं, इनका परिवार छोटा है। इनका जो परिवार है, यहाँ पर देखो बहु वाक्य में वह बड़े होने के कारण उनका जो इसका के बदले में जो है इनका प्रयोग किया जा रहा है। इनका परिवार कैसा है, छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो बोलिए इनका परिवार छोटा है। उसी प्रकार इनका कपड़ों का व्यापार है। इनका जो व्यापार यानी व्यवसाय यानी इनका जो किसका व्यापार है, इनका सुरेश इनका व्यापार क्या है, इनका कपड़ों का व्यापार है, ठीक है। कपड़ों का व्यापार यानी बहुत सारे वहां पर नाना प्रकार के कपड़े होते हैं, जो आपको जो पसंद आए वो आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर सुरेश जो है उम्र से बड़े होने के कारण उनके इसका जगह जो है उनका प्रयोग किया गया है। तो एक बार फिर से इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे। सुरेश हमारे पड़ोसी हैं, इनका परिवार छोटा है, इनका कपड़ों का व्यापार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर दो लड़कों को आप देख सकते हैं और यहाँ पर उनके बीच जो है वार्तालाप चलती है और यहाँ पर कुछ जो है वाक्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, नवीन मेरा सहपाठी है, क्लासमेट, ठीक है, क्लासमेट कहते हैं ना, जैसे नवीन जो है मेरा सहपाठी है, ठीक है। नवीन जो है मेरा सहपाठी है ने क्लासमेट है। उसका घर हमारे घर के पास है। देखो सम यानी आपके हम उम्र या आपसे छोटे वालों का उसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक तो नवीन उसका मित्र है यानी सहपाठी है। उसका घर हमारे घर के पास है यानी उसका जो घर है वो उनके पास है। देखिए यहाँ पर उसका नवीन की जगह उसका प्रयोग किया है। नवीन ये संज्ञा है, उसके बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आप यहाँ पर भी व्याख्या का जो परिभाषा देख सकते हैं। उसका घर हमारे घर के पास है, तो देखो उसका भाई वकील है। इसका जो नवीन का जो भाई है वह वकील है। तो चलिए और एक बार इसका हम दोबारा से जो है वाक्य का उच्चारण करेंगे। नवीन मेरा सहपाठी है, उसका घर हमारे घर के पास है, उसका भाई वकील है, इस तरह, ठीक है। चलिए इस तरह ये उसका किस तरह प्रयोग किया जाता है वाक्यों में आपने देखा। अब हम उसका के बदले उनका बहुवचन में देखिए, बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उनको बहुवचन में हमेशा जो है बहुवचन में वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री का यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री थे भारत के। और तो देखिए यहाँ पर उनके बारे में यहाँ पर कुछ जो है वाक्य दिए गए हैं, उसे हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे। शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी जो लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं, लाल बहादुर यानी शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। थे क्यों लगाया है, क्योंकि वे अभी नहीं हैं, पहले थे, ठीक है। भूतकाल में
हम बता रहे हैं। उसी प्रकार उनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री है। यहाँ पर देखिए शास्त्री यानी यह संज्ञा है, उसके बदले में बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हम लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री इस तरह। तो उसके बदले में जो प्रयुक्त शब्द यहाँ पर सर्वनाम देख सकते हैं, उनका उनका पूरा नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री है। उनका जय जवान जय किसान का नारा प्रसिद्ध है। देखिए उन्होंने एक जो है जो हमारे देश का जो देश की जो रक्षा करते हैं वह है जवान, उनके लिए मेरे ओर से यानी हम पूरे भारतवासियों की ओर से जय जय का घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं, जय जवान और उसके साथ जय किसान। जैसे आपके हमारे सबके अन्नदाता जो जवान यानी किसान, किसान जो है उनके लिए भी जय जयकार यहाँ पर कर रहे हैं। तो उनका नारा क्या था लाल बहादुर शास्त्री का, उनका जय जवान जय किसान का नारा प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर से एक बार हमें इसे दोहराते हैं। शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री है, उनका जय जवान जय किसान का नारा प्रसिद्ध है। तो इस तरह आज हमने पाठ संख्या 11 का जिसका शीर्षक है इसका इनका उसका उनका, यह हमने फिर से जो है सविस्तार रूप से अध्ययन किया है। अब इस पाठ के संबंधित हम अभ्यास भाग की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। ठीक है, सही यहाँ पर विकल्प दिया गया है, उसे यहाँ पर चुन कर जो है आप उसमें भरना है। देखिए पहला वाक्य क्या है, हाथी एक जंगली जानवर है। हाथी एक क्या है, जंगली जानवर है। डैडा शरीर बड़ा है, उसकी इसकी या इसका होगा, तो आपने सही पहचाना, हाथी एक जंगली जानवर है, इसका शरीर बड़ा है। तो सही विकल्प क्या है, इसका जो है सही विकल्प है, इसका शरीर बड़ा है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य और बढ़ेंगे, मोहन कुमार डॉक्टर है। मोहन कुमार जो है डॉक्टर है, आपसे बड़े होने के कारण इनको बहुवचन में ही प्रयोग करना पड़ेगा। डैश डैश अपना अस्पताल है, इनका या इनकी, तो देखिए आपने सही पहचाना, बहुवचन में हमें प्रयोग करना पड़ेगा, डॉक्टर हैं इनके लिए इनका ही प्रयोग सही है। तो वाक्य हम बनाएंगे, उन मोहन कुमार डॉक्टर हैं, इनका अपना अस्पताल है, इस तरह प्रयोग होता है। चलिए अगले वाक्य और बढ़ेंगे, किशन एक किसान है। किशन जो है एक किसान है, डैडैश खेत हरा भरा है, तो देखिए यहाँ पर सही उसकी होगा या उसका, उसकी स्त्रीलिंग के लिए, उसका जो है पुल्लिंग के लिए, तो यहाँ पर क्या सही होगा, उसका विकल्प सही होगा। वाक्य में प्रयोग करेंगे, किशन एक किसान है, उसका खेत हरा भरा है, इस तरह सही जो है वाक्य होगा। अगला वाक्य है, सोहनलाल व्यापारी है, डैडैश हीरों का व्यापार है। सोहनलाल एक व्यापारी है, उनको हम क्या करेंगे, बहुवचन में प्रयोग करेंगे, तो उनकी स्त्रीलिंग है, उनका जो है पुल्लिंग बहुवचन है, तो आपको सही विकल्प क्या है, सही पहचाना, उनका जो है सही विकल्प है। तो देखिए सोहनलाल व्यापारी है, उनका हीरों का व्यापार है, इस तरह सही होगा। चलिए आगे है, जोड़कर लिखो। यहाँ पर क्या है, जोड़कर लिखना है। ठीक है, पहले विकल्प में देखिए, घोड़ा का चेहरा, नवीन का भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी। यहाँ पर दूसरे में देखिए, प्रधानमंत्री थे, सुंदर है, वकील है, तो देखिए पहले विकल्प का हम जो है जोड़कर लिखेंगे, घोड़े का चेहरा क्या है, सुंदर है, यह एक पूरा जो है वाक्य बन जाएगा। नवीन का भाई वकील है, इस तरह जो है पूरा आपको वाक्य करना है।
उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। इस तरह आपको जो है सही विकल्प जोड़कर वाक्य को बनाना है। इस तरह आज हमने जो है 11वां अध्याय का अध्ययन विस्तृत जो है फिर से किया है। धन्यवाद।